भारतीय सेना ने राजस्थान के रेगिस्तान में पहली बार एयर कैवेरी अवधारणा का परीक्षण किया। अब तक इस एयर कैवेरी अवधारणा का उपयोग अमेरिका सेना ने वियतनाम युद्ध के दौरान किया था। अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेना ने एयर कैवेरी अवधारणा का परीक्षण किया है। बड़े बेटे की शादी से निवृत्त होने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। परिवार के लोग लालू को दिल्ली या मुंबई में इलाज कराने की तैयारी कर रहे हैं, किंतु उसके पहले 6 हफ्ते की मिली जमानत पर छूटने के लिए उन्हें रांची कोटवार जेल जाकर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। सोमवार को लालू यादव को रांची के कोटवार जेल में खुद को सरेंडर करना है। इसके लिए लालू दोपहर 3:15 पर इंडिगो की फ्लाइट से पटना से रांची जाएंगे और प्रोविजनल बेल की कानूनी प्रक्रिया के कारण उन्हें सोमवार की रात कोटवार जेल में ही बितानी पड़ेगी। साल 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद 2200 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे, लेकिन अब नोटों को लेकर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है। RBI की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर किन्हीं वजहों से 200 और 2000 रुपए के नोट गंदे हो जाते हैं तो बैंक ना तो उन्हें बदलेगा और ना ही जमा करेगा। दरअसल करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नोटों को नहीं रखा गया है, यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है। तेज प्रताप यादव की शादी संपन्न हो गई और अब उनकी दुल्हन ऐश्वर्या राय अपने ससुराल पहुंच गई हैं। शादी के लिए ससुराल पहुंचने पर दुल्हन ऐश्वर्या की बहनों ने तेज प्रताप से 1 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद काफी देर तक वर वधु पक्ष में प्यार भरी नोकझोंक होती रही। ऐश्वर्या की बहन ने अपने जीजा जी से द्वार छिकाई की रस्म के लिए पहले तो अपनी मांग 10 लाख से शुरू की, जो बाद में 1 करोड़ रुपए पहुंच गई। वहीं तेज प्रताप की ओर से कहा गया कि वो 11 रुपए ले लें और बात मान जाए। फिर अंत में नेक की राशि 50,000 रुपए पर फाइनल हुई। रविवार देर शाम मौसम के एकदम बदले तेवर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन बारिश के चलते लोगों की गर्मी से राहत मिली। पहले तेज हवा चली, फिर आंधी और कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। कहीं पर पेड़ तो कहीं पर बिजली और कहीं पर होर्डिंग गिरते हुए नजर आए। बिजली व्यवस्था चौपट हो गई, आंधी ने जमकर कहर बरपाया। इस दौरान 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों लोगों के चोटिल होने की खबर आई।